Hello students. So from today onwards we are going to discuss about a chapter 4 of NCERT class 11th mathematics, that is the principle of mathematical induction. ठीक है, ये आपका चैप्टर है. एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पे क्या है कि तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, वन इज दिस पॉइंट दैट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ प्रिंसिपल. ठीक है, तो हम लोग वो प्रिंसिपल सीखेंगे कि क्या है. सेकेंड कि भाई मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल, है ना. मैथ्स इज इन्वॉल्व, कैसे मैथ्स इन्वॉल्व है, दैट इज योर लेटर पार्ट ऑफ डिस्कशन. ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड वॉट इज दैट थर्ड पार्ट? इंडक्शन. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले थर्ड पार्ट को समझते हैं, फिर हाउ मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व इन इंडक्शन एंड हाउ व्हाट इज दैट प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को समझेंगे और सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं. अभी आप क्लास 11th पे पहुंच गए हो, क्लास 11th पे पहुंचते साथ घर वाले बोल रहे होंगे जेई का प्रिपरेशन करो, जेई का प्रिपरेशन करो, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करो. तो क्या हो रहा होगा, बस उठाया कोचिंग सेंटर से और जो पढ़े हो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए. लेकिन क्या है ना, वो जो एक आइडिया है, एक पर्टिकुलर टॉपिक का जो आइडिया है, सिग्निफिकेंस है, वो जानना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट. क्या कि भाई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, नो इश्यूज, मैं आपको बता दूंगा. लेकिन ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, आगे 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर आया ही क्यों, और इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है ना, वी आर नॉट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड. हम ऐसा कोई एजुकेशन नहीं देना चाहते किसी बच्चे को कि वो बच्चा जो है ना कंप्यूटर बन जाए. कंप्यूटर अपनी जगह पे है और बच्चा अपनी जगह पे है. बच्चे को कंप्यूटर बनाना है, ना कि बच्चे को ही कंप्यूटर बन जाना है. ठीक है, तो वो क्यों होता है, बिकॉज आप क्या करते हो, उठाए प्रॉब्लम सॉल्व किए, पास किए, निकल गए. नहीं, हम ऐसा स्टूडेंट चाहते हैं जो कल के डेट में मैथमेटिशियन बने, वो मैथमेटिक्स से डरे नहीं. ठीक है ना, तो ज्यादा ना बताते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी टॉपिक को उठाओ तो उसके बारे में पूरा रिसर्च किया करो. ठीक है, और उसके बाद फिर उससे समझो कि भाई उस टॉपिक को क्यों पढ़ाया जा रहा है ना. तो मैं आपको यहां से शुरू करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि भाई आखिर हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडक्शन इंडक्शन से शुरू करते हैं. बट इंडक्शन की बात करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दैट टॉपिक इज नोन एज रीजनिंग. ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनिंग एज अ होल. तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. देखो देर आर डिफरेंट वेज टू डिफाइन इट. ठीक है, मैं जो डिफाइन करूंगा वो क्या, कि भाई रीजनिंग इज अ पर्टिकुलर एक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थॉट्स इनटू अ वैलिड स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट. फाइन, सो अब क्या है, आपको डेफिनेशन बता दिया. व्हाट इज दैट एक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थॉट्स इनटू अ वैलिड आर्ग्यूमेंट. मतलब क्या है, आपके पास बहुत सारे थॉट्स हैं, उन थॉट्स को आपने कंस्ट्रक्ट किया, आपने उसको ऑर्गेनाइज किया, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि भाई कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट निकल के आया. तो वो जो पूरा प्रोसेस और जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है और जो एक्शन आप करते हो उसको रीजनिंग कहते हैं. ठीक है, जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल को ना ईजी से बताते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर, ईएक्स एक्सरसाइज के लिए होता है और ईजी जो होता है वो एग्जाम्पल के लिए होता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, मान लो कि आपके फादर ने आपको कहा बेटा यू नीड टू मेक अ डिसीजन ऑन वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम. आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हो और यू वॉन्ट टू गो फॉर सम अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड. ठीक है, तो आपको डिसीजन लेना है. अभी डिसीजन जब लेना है तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे बेसिकली नीड ये होती है कि यू नीड टू इवेल्युएट वेरियस थॉट प्रोसेसेस, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, वेरियस ऑप्शंस आप लेते हो. अच्छा,
मुझे, मैं इसके बाद एनडीए में जा सकता हूँ, मैं इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ, मैं जो है प्लेन बीएससी कर सकता हूँ, मैं इसके बाद एससीआरए का एग्जाम दे सकता हूँ, और फिर मैं रेलवे के बड़े पोस्ट पे जा सकता हूँ, है ना। सो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। मैं फॉरेन में कोई स्टडी कर सकता हूँ, है ना। तो डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू। नाउ यू नीड टू इवेल्युएट, अभी क्या होगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए। सो यू हैव, यू वॉन्ट टू कम अप विद अ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, है ना, कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो क्यों करना है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग करना है तो इंडिया से करना है या फॉरेन से करना है ना, इन सम अदर फॉरेन कंट्री यू वॉन्ट टू परस्यू योर स्टडीज, तो मुझे ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना है, तो क्या करोगे। पहला, इंजीनियरिंग करना है, क्यों करना है, आप आगे क्या करना चाहते हो। दूसरा, आपके पास ऑप्शन होगा या आपके पास जो थॉट प्रोसेस होगा कि भाई माय फादर इज पेइंग फॉर मी, मुझे कोई स्कॉलरशिप मिलेगा तो मैं फॉरेन चले जाऊंगा, अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है सो आई कैन परस्यू माय स्टडीज इन इंडिया ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि हर चीज डिसाइड करते हो, और वो पूरा एक जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या है आपके पास, सो यू आर ट्राइंग टू यूज आर्ग्यूमेंट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रीजनिंग यूजेस आर्ग्यूमेंट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, है ना। अभी क्या है, आपने अगर बोला है कि भाई मुझे इंजीनियरिंग करना है तो उसके आर्गुमेंट्स बताओ ना, कि भाई आप कहाँ से करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, है ना, आप उसके लिए क्या पढ़ाई करना चाहते हो, आपकी आपकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है ना। ऐसा तो नहीं है कि फादर मदर कह रहे हैं इंजीनियरिंग करना है तो करना है, नहीं ऐसा नहीं, आपको क्या करना है आप सोचो, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो करो, आपको क्या करना है वो सोचो। तो आपको क्या करना है वो कब इंपॉर्टेंस आएगा, जब पेरेंट्स की आर्ग्यूमेंट को भी समझोगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स को भी समझोगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेरेंट्स की आर्ग्यूमेंट के साथ मिलाओगे, इवेल्युएट करोगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेरेंट आपके आर्ग्यूमेंट बेटर हो पेरेंट्स से, कभी कभी आपको पेरेंट्स के आर्ग्यूमेंट को भी समझना है कि हाँ वो क्यों बोलना चाह रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग के लिए जाओ, उनके क्या रीजंस हैं, वो सब मिला के क्या होगा कि भाई आपका एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए जाओ और आप नहीं जाना चाह रहे हो तो आप सही हो, नो 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 नो, मे बी पॉसिबल दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, तो उनको पता है कि आपकी जो फ्यूचर है वो कहाँ पे अच्छा है ना, उनको पता है, आपसे बेटर पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है ना, और मार्केट में किस चीज की अवेलेबिलिटी है, किस चीज की जरूरत है, वो आपको केपेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। जब हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो देखो, जब हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इट इज ऑफ टू काइंड्स, वन इज वैलिड आर्ग्यूमेंट एंड अनदर इज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जब मैं कहता हूं वैलिड आर्ग्यूमेंट, सो यहां पे क्या होता है ना, वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड विथ रीजनिंग, ओके, विद द यूज ऑफ वॉट, रीजनिंग विथ लॉजिक और फैक्ट, ठीक है। तो आप रीजनिंग कैसे कर रहे हो, लॉजिक का यूज कर रहे हो, फैक्ट का यूज कर रहे हो, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट तब वो वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है। कई बार होता है ना, हमारे पेरेंट्स कहते हैं भाई कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट बताओ, कुछ भी बात मत किया करो, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि आप क्या कहोगे कि नो नो आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर इंजीनियरिंग, पापा या मम्मा आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर इंजीनियरिंग, मैं नहीं करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग, ठीक है। पापा पूछेंगे बेटा तुम क्यों नहीं करना चाहते हो, तो आप बताओगे नहीं मैं केपेबल नहीं हूं, नो नो, दैट केपेबिलिटी इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट ना। केपेबिलिटी किसे डिसाइड होती है, कि आप जो है कितनी स्टडीज कर रहे हो, ठीक है। आपने एग्जाम दिया है तो फिर आप कह दोगे कि आई एम नॉट केपेबल टू डू इंजीनियरिंग, सो दैट इज नॉट एक्चुअली अ करेक्ट वे ऑफ सेइंग थिंग्स और करेक्ट आर्ग्यूमेंट, है ना। यहाँ कोई फैक्ट नहीं है, लॉजिक नहीं है। आपके पापा कह सकते हैं देखो बेटा यू प्रिपेयर, यू गो फॉर एग्जामिनेशन, सिट फॉर इट, है ना, एंड सी फॉर योर सेल्फ कि भाई आप जो एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। आप मॉक टेस्ट दो, है ना, डिफरेंट मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना, तो वो दो, उससे पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड, है ना, एंड देन इम्प्रूव योर सेल्फ। सो यहाँ क्या हो रहा है, आपके पापा का या मम्मा का जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज बेटर देन यू, सो सम लॉजिक आ रहा है उसके पीछे, फैक्ट आ रहा है उसके पीछे। तो क्या है यहाँ पे, जब हम लोग रीजनिंग विथ लॉजिक और फैक्ट बोलते हैं, सो वॉट इज दैट वैलिड आर्ग्यूमेंट। वैलिड आर्ग्यूमेंट का फाउंडेशन क्या कहलाता है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ वैलिड आर्ग्यूमेंट, दैट इज योर लॉजिक और फैक्ट,
फाइन। नाउ अब जैसे कि क्या कह सकते हैं कि भाई लॉजिक क्या हो सकता है कि आई विल स्टडी लेटर, है ना, आई विल स्टडी लेटर, ये एक्चुअली वैलिड नहीं होता है ना। स्टडी तो अभी करना है जिस समय आपकी एज है स्टडी करने की, है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं, वी विल सी कि भाई वो लॉजिक और फैक्ट्स पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो लॉजिक देखो, ये जो लॉजिक और फैक्ट और वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है ना, एक चैप्टर है आपका, दैट इज योर मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उस समय मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, कि कैसे आप जो है चेक कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। नाउ यू सी, व्हेन वी से अगेन, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट रीजनिंग ना, सो व्हेन एवर वी से रीजनिंग, ठीक है, सो रीजनिंग कैन बी कैटेगराइज इंटू इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो आ गया ना इंडक्शन, आ गया ना इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं भाई, हम लोग डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे कि भाई इंडक्शन क्या होता है, पहले समझ लेते हैं कि ये इंडक्शन आया कैसे, इसका क्या इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, रीजनिंग को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वन इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग एंड अनदर इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब हम रीजनिंग की बात करते हैं ना, तो रीजनिंग में क्या होता है, एक प्रिमाइस होता है और उसके साथ कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो प्रिमाइस क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। प्रिमाइस को अगर हम लोग, लेट अस सपोज हमारे पास दो प्रिमाइसेस हैं, और प्रेमिसेस, प्रेमिसेस बोलो या प्रिमाइसेस बोलो, प्रेमिस बोलो, प्रिमाइस बोलो, ठीक है। सो देखो, अगर मेरा P1 जो प्रेमिस वन है या प्रिमाइस वन है, वो मुझे क्या कहता है कि ऑल कार्स हैव इंजिन्स, दिस इज व्हाट माय प्रिमाइस, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड प्रिमाइस क्या कहता है कि आई हैव अ कार, फाइन। तो कंक्लूजन क्या कहता है, मैं कंक्लूजन को सी से बता रहा हूं, कंक्लूजन क्या कहता है कि माय कार Has an engine. तो इससे, इसके बारे में ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बिकॉज जब मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो उसमें प्रिमाइस एंड कंक्लूजन दोनों आता है। प्रिमाइस क्या है, ये दोनों क्या कहलाएगा, प्रिमाइस, व्हाट इज प्रिमाइस, प्रिमाइस आपको ये बताता है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ठीक है, वो प्रिमाइस कहलाते हैं। और ये जो होता है, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिमाइसेस अवेलेबल, प्रिमिस और प्रिमाइस अवेलेबल टू यू, ठीक है। यहाँ पे दो प्रिमिसेस थे, क्या बोलता है कि हर कार में इंजिन होती है, ठीक है। मेरे पास एक कार है, तो अगर हर कार में इंजिन होती है और मेरे पास एक कार है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो कार है उसमें भी इंजिन होगी, ये क्या कंक्लूजन निकला, करेक्ट। तो रीजनिंग में प्रिमाइस और कंक्लूजन ये दो पार्ट होते हैं, और रीजनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो कैटेगरी, कैटेगरी में यू कैन डिवाइड इट, वन इज नोन एज व्हाट, इंडक्टिव रीजनिंग, सेकेंड इज नोन एज व्हाट, डिडक्टिव रीजनिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बोथ काइंड्स ऑफ रीजनिंग, व्हाट इज दैट, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। जब हम लोग कहते हैं, अच्छा इसको समझने के लिए हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस, ठीक है। सो हियर इन इन योर फर्स्ट ब्लॉक इट स्पेसिफाइज जनरल प्रिंसिपल, हियर इट स्पेसिफाइज स्पेशल केस, ठीक है। सो वेन एवर यू मूव फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेशल केस, इट इज नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग, इट इज नोन एज वॉट, डिडक्टिव रीजनिंग। सिमिलरली अगर आप मूव करते हो स्पेशल केस से जनरल प्रिंसिपल की तरफ, तो इट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग, है ना। सो जनरल प्रिंसिपल से जब भी आप मूव करोगे किसके तरफ, स्पेशल केस की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग। जब आप स्पेशल केस है आपके पास और आप जनरल प्रिंसिपल की तरफ आप मूव कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए क्या वो कहलाता है, इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स लूंगा, दिस इज वन वे ऑफ डिफाइनिंग योर इंडक्शन एंड डिडक्शन। नाउ मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, व्हाट इज द सेकेंड वे, सेकेंड वे सेज दैट
यू हैव अ थियोरी, आपके पास कोई थियोरी है, ठीक है, उस थियोरी से आपने क्या किया, हाइपोथेसिस फॉर्म किया, ठीक है, और हाइपोथेसिस के बेसिस पे आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस आपने क्या किए, ऑब्जर्वेशंस आपने निकाले, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आपको क्या पता चला, आप क्या कंफर्मेशन किया आपने, किसका, थियोरी का, कंफर्मेशन ऑफ व्हाट, थियोरी, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक थियोरी थी, जैसे कि एक थियोरी होती है ना लॉ, लेट अस सपोज हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज दिस, दिस इज वन ऑफ द थियोरी, वन थियोरी है ना, एक लॉ है, वो लॉ क्या कहता है कि देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, मैं उस लॉ को नहीं बताऊंगा, बस समझो, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, अब रिफ्लेक्शन के बेस लेके लॉज के बेसिस पे आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे, हाइपोथेसिस मतलब क्या करोगे कि भाई ये कहाँ पे हो सकता है, एक सेटअप बना लो, उस सेटअप में इधर से ऐसे लाइट्स आ रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना एंगल बना, फिर ऑब्जर्व करो कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है, हाइपोथेसिस H1, H2, H3, उसके बेसिस पे आपके पास ऑब्जर्वेशंस आए, और ऑब्जर्वेशंस जो आपके पास आए उन ऑब्जर्वेशन से आप कंफर्म करो कि जो लॉ है वो सेटअप जो आपने बनाया एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसके साथ बेटर, क्या वो लॉ एक्चुअली वो प्रोवाइड कर रहा है वो चीज। तो ये जो आपका होता है ना, जहां पे आप थियोरी से लेके और कंफर्मेशन तक जाते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप को हम कहते हैं डिडक्शन रीजनिंग, और डिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि व्हेन यू हैव ऑब्जर्वेशंस, व्हाट यू हैव ऑब्जर्वेशंस, नाउ आप ऑब्जर्वेशन में क्या करते हो, पैटर्न्स ढूंढते हो, ठीक है, फिर जब आपके पास पैटर्न्स आ जाते हैं ना, तो आप उससे एक हाइपोथेसिस बनाते हो, ठीक है, और जब आपके पास हाइपोथेसिस बन जाता है, तो आप एक फाइनली एक थियरी आप जो है प्रोड्यूस करते हो, तो ये जो आपका प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन, ठीक है। तो जस्ट उल्टा है, यहाँ पे आप क्या करते हो, आप पहले थियोरी बनाते हो, थियोरी से आप जो है प्रैक्टिकल्स करते हो, प्रैक्टिकल से कंफर्म करते हो थियोरी को, यहाँ पे क्या होता है, आपको दे दिया गया है ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस से आप थियोरी की तरफ जाते हो। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ इसका, क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि स्काई इज ब्लू और नॉट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आप ऑब्जर्व करोगे आज ब्लू है कि नहीं, शाम में ब्लू दिख रहा है कि नहीं, सुबह ब्लू दिख रहा है कि नहीं, दोपहर में ब्लू दिख रहा है कि नहीं, है ना, उसके बाद आप देखते हो किस दिन कब व्हाइट दिखता है, कब ब्लू दिखता है, सूरज की जब लाइट होती है तब वो ब्लूइश कलर चला जाता है, क्या है, फिर एक पैटर्न देखते हो, फिर पैटर्न पे फिर आप बोलते हो कि नहीं, स्काई तो एक्चुअली ब्लू ही है, बट उसका क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइट कलर्स आते हैं सनलाइट के कारण या क्लाउड के कारण, तो उसके कारण जो है उसकी कलर चेंज, बट व्हेन देयर इज नो क्लाउड नथिंग, तो स्काई लुक्स ब्लू, तो ये क्या है, आप इंड्यूस कर रहे हो आप, तो ये जो थियरी, ये थियोरी ऑफ इंडक्शन कहलाता है, ठीक है ना। सिमिलरली देयर इज अ थर्ड वे, यू नो आई कैन डिफाइन योर डिडक्शन एंड इंडक्शन, कैसे हम बता सकते हैं, भाई आपके पास थियरी है, ठीक है, अब उस थियरी का आपने क्या किया, आपने उस थियरी को के बेसिस पे आपने कुछ प्रेडिक्शंस किए, ठीक है, और प्रेडिक्शंस के बेसिस पे आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किया, तो व्हाट इज दिस, ये जो आप करते हो इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, आप ऑब्जर्वेशन को क्या करते हो, जनरलाइज करते हो, है ना, जनरलाइजेशन करते हो ऑब्जर्वेशन का, और उसके बाद जनरलाइजेशन के बेसिस पे पैराडाइम बनाते हो, तो जब ये करते हो तो इसको क्या कहते हैं, हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कंफ्यूज मत हो, मैं अभी प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स लूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये इंडक्शन क्या है ना, डिडक्शन क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देखो, जब हम लोग बोलते हैं इंडक्शन और डिडक्शन, तो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, डिडक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हुआ है वो क्या है, जो फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, जिनको हम हिंदी में अरस्तू भी कहते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं एंड हिंदी में उनको अरस्तू बोलते हैं, ठीक है, ये कौन थे, ये एक फिलोसोफर थे, ठीक है, तो ये किस पे काम करते थे, ये काम करते थे थ्योरी ऑफ डिडक्शन पे, ठीक है,
और इंडक्शन पे कौन काम करता है? तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, शेरलॉक होम्स, ठीक है, शेरलॉक होम्स। नाउ हु इज शेरलॉक होम्स? ही इज अ डिटेक्टिव, ठीक है। इनकी नॉवेल्स होती है, कभी आप पढ़ोगे तो ये क्या करते हैं, शेरलॉक होम्स, या आई शुड से शेरलॉक होम्स ले लो आप, ब्योमकेश बख्शी बख्शी ले लो, ठीक है, ब्योमकेश बख्शी। हु इज ब्योमकेश बख्शी? अ डिटेक्टिव, ठीक है। इंडियन नॉवेल्स है इनकी, ब्योमकेश बख्शी की। और आई शुड से, रेदर आई शुड से डिटेक्टिव्स, है ना। डिटेक्टिव्स क्या करते हैं एक्चुअली, उनके पास सामने में कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसे चाकू पड़ा हुआ है, अच्छा वहां पे वो है, अच्छा यहाँ ब्लड है, ऐसा है, यहाँ पे ये गिरा हुआ है, लैम्प ऐसे सीधा है। उसके बेसिस पे फिर वो प्रेडिक्शन, वो क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं ऑब्जर्वेशन को, फिर जनरलाइजेशन के बेसिस पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, पैटर्न निकालते हैं, और फिर थियोरी जनरेट करते हैं कि इसने मर्डर किया होगा, है ना। तो इस तरीके से जो वर्क होता है ना, तो डिफरेंट डिटेक्टिव्स, फेमस डिटेक्टिव्स लाइक शेरलॉक होम्स है, ब्योमकेश बख्शी है, दे वर्क ऑन दैट, ठीक है। देखो अब हमने क्या समझ लिया कि भाई इंडक्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली कि भाई मतलब अब इसमें अब एक कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड वर्क अपॉन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कहता हूं इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अभी इसको अच्छे से समझो, पहले क्या बोल रहा है आपको कि भाई अगर ए इज इक्वल टू बी होता है और बी इज इक्वल टू सी होता है, ए इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो यहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है, यहां पे एक जनरल प्रिंसिपल है आपके पास, है ना, और गिवन है कुछ, क्या गिवन है, कुछ आपके पास थियरी गिवन है, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, और देन यू नीड ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई ए इक्वल टू सी होता है कि नहीं, ठीक है। तो आप पहले इस पे काम कर चुके हो, है ना, तो ये कौन किसको फॉलो कर रहा है, ये डिडक्शन को फॉलो कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, डिडक्शन थियरी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं आपको क्या कहता हूं कि भाई थ्रोट स्वेलिंग, व्हाट इज थ्रोट स्वेलिंग, तो थ्रोट स्वेलिंग इज एन एलर्जी टू पीनट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कुछ 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 ऐसे होते हैं जो पीनट्स जो होते हैं ना, उनको खाने पे उनको क्या होता है, थ्रोट स्वेलिंग हो जाती है, उनको एलर्जी होती है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, थ्रोट स्वेलिंग अगर होता है सो इट इज एन एलर्जी टू पीनट्स, ठीक है। सो एवरी टाइम आई ईट पीनट्स, ठीक है, माई थ्रोट स्वेल्स, मतलब मैं जब भी पीनट्स खाता हूं तो मेरा थ्रोट स्वेलिंग हो जाता है। तो इससे क्या पता चलेगा कि आई एम एलर्जिक टू व्हाट, पीनट्स, मुझे पीनट्स नहीं खाने चाहिए बिकॉज आई एम एलर्जी टू पीनट्स। इसमें क्या हुआ देखो, पहले आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि पीनट्स खाने से थ्रोट एलर्जी हो रही है, पहले आपने तो थ्रोट स्वेलिंग देखी, थ्रोट स्वेलिंग देखा कि अब भाई अब थ्रोट स्वेलिंग कब हो रही है, तो जो बंदा पीनट्स खा रहा है उसको थ्रोट स्वेलिंग हो रहा है, तो पहला क्या पता चला कि थ्रोट स्वेलिंग क्या है, उस एक एलर्जी होती है जो पीनट्स खाने वालों को हो रही है। अब आपने इस चीज को फिर आगे टेस्ट किया एक पैटर्न उसमें फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है। अब क्या टेस्ट किया कि भाई क्या मैं खाता हूं तो मेरा थ्रोट स्वेल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो आप क्या है ना एक थियरी प्रपोज करते हो, क्या कि आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थियरी नोन एज इंडक्शन, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडक्शन, ठीक है। सिमिलरली आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल मीन्स ऑफ डिडक्शन अगेन, लाइक अगर मैं कहता हूं कि 8 इज डिविजिबल बाई 2, एक स्टेटमेंट है जो है कि 8 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब 8 2 से डिविजिबल है ना। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एनी नंबर है ना दैट इज डिविजिबल बाई 2, एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2 इज एन इवन नंबर,
ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूँ, और मैं थर्ड क्या कहता हूँ, एट इज एन इवन नंबर। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे अगर मैं एट इज एन इवन नंबर निकालता हूँ तो ये डिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो डिडक्शन इंडक्शन को समझना है ना, कि भाई डिडक्शन में क्या हो रहा है, हम कुछ थियरी उठाते हैं और उससे स्पेशल केस निकालते हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्या हुआ, जनरली हमने देखा कि एट इज डिविजिबल बाई टू, अच्छा कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाई टू होता है वो इवन नंबर होता है, तो स्पेशल केस क्या निकला कि एट इज एन इवन नंबर। अगर उल्टा करते हम लिखते एट इज एन इवन नंबर एंड एट इज डिविजिबल बाई टू, तो उससे एक थियरी निकलता कि एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाई टू इज एन इवन नंबर। तो ये क्या हो जाता, उल्टा अगर करते तो हम इंडक्शन हमें पता चलता, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अब मैंने आपको क्या है, इंडक्शन बता दिया, पार्ट थ्री जो मुझे बताना था। अब देखो हमें इंडक्शन पता चल गया है, अब इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये भी जानना चाहिए मैथ्स। मैंने बताया था ना कि मैं इंडक्शन बताऊंगा, उसके बाद अब मैथ्स बताऊंगा कि मैथ्स कैसे इन्वॉल्व है। देखो ये सारी बातें जो हम कर रहे थे ना, ये हवा में बात कर रहे थे। कैसे हवा में बात कर रहे थे, कि देखो आई हैव अ कार, आई हैव एन इंजिन, ये सब क्या हो रहा है, कोई क्वांटिटी क्वांटिटेटिव कोई मेजरेबल पैरामीटर नहीं है, ठीक है। मेजरेबल पैरामीटर होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में हम जब भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन समझा, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले एकदम शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ जाओ भाई ये मैथमेटिकल इंडक्शन की क्या जरूरत पड़ी, इंडक्शन तो वैसे भी हो रहा था। तो बात ये होती है कि भाई जो आप इंडक्शन थियरी लगा रहे हो उसके परफॉर्मेंस को मेजर करोगे ना, मेजरेबल होना चाहिए ना वो, कि ऐसे हवा में बोल दिया कि नहीं सारे कार में इंजन होता है, ये होता है, उसको प्रूफ करो, उसको समझाओ। तो वहां पे क्या होता है कि जब भी हम लोग अलजेब्रा अलजेब्रा या हम लोग मैथमेटिक्स की एज अ होल बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि देर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स, है ना, देर आर एक्चुअली सर्टेन स्टेटमेंट्स, मैं लिख ही देता हूं आपके लिए, देर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स, ठीक है। वो जो सर्टेन स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनको हम लोग एन के टर्म्स में एक्चुअली फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एन क्या है, वेयर एन बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब आपने क्या है कि सेट थियरी पढ़ा है तो आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से हम दिखाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि सर्टेन स्टेटमेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, है ना, एंड मैथमेटिक्स एज अ होल हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उनको एन के टर्म्स में हम फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे एन के टर्म्स में फॉर्मुलेट करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। दीज प्रिंसिपल्स विल बी यूज्ड टू डू व्हाट, टू प्रूव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, जो मैं ऊपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं ना, दीज मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रूव्ड यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स। और यही जो पूरा फॉर्म आ जाता है ना आपका, कि भाई प्रिंसिपल यूज करके हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मतलब हम हमारे पास एक इंडक्टिव अप्रोच है ना, इंडक्शन का अप्रोच है, जहां पे मैं जो है कोई थियरी सॉरी कोई ऑब्जर्वेशन उठाया, पैटर्न बनाया, उससे थियरी बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, और उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन उस मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए कुछ प्रिंसिपल का यूज करते हैं, वही हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं विद द यूज ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें एक बहुत अच्छा सा जो है एग्जाम्पल आता है, वो क्या आता है कि मान लो, मतलब हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, है ना, मोटिवेशन, कि ये जो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसका मोटिवेशन हमें कहाँ से मिला, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो है ना, एक टाइल्स के एग्जाम्पल से लिया जाता है, ठीक है। मान लो कि बहुत सारे टाइल्स, ठीक है, एक के पीछे एक लगे हुए हैं, ठीक है।
तो मान लो कि ये T1, T2 ऐसे करके टाइल्स हैं, TN, N टाइल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि मुझे चाहिए क्या कि ऑल टाइल्स विल फॉल, ऑल टाइल्स विल व्हाट, इट विल फॉल। तो अगर ऑल टाइल्स मतलब सारे मेरे टाइल्स जो होते हैं, टाइल्स कौन से टाइल्स, वो जो घरों में आपके लगे होते हैं ना, वो जो सीमेंट के टाइल्स आते हैं, वो टाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सारे टाइल्स हैं ये लगे हुए हैं, मुझे चाहिए सारे टाइल्स पहले खड़े थे, अभी ये सारे गिरने लगे या गिर जाए, ऐसा मुझे चाहिए। तो अगर मुझे ये चाहिए तो इसके लिए सफिशियंट केस अगर मैं कहता हूं, सफिशियंट केस, तो यहां पे दो पॉइंट की बात आती है, ठीक है। व्हाट आर दीज टू पॉइंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट कहता है कि फर्स्ट टाइल विल फॉल, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, सारे टाइल्स एक साथ हैं, एक दूसरे से टच होके जो है वो क्या है, खड़े हैं, खड़े हैं। अब क्या है, मुझे चाहिए सारे टाइल्स गिर जाएं। वो कब गिरेंगे, तो सफिशियंट केसेस होते हैं, जैसे जब पहला टाइल गिरेगा, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है कि पहला टाइल गिरेगा, ठीक है, तो एक सेकेंड केस आना चाहिए कि टाइल्स सक्सेसर नेसेसरीली फॉल्स, नेसेसरीली फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, पहला टाइल गिरा तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि टाइल सक्सेसर नेसेसरी फॉल्स, मतलब जो पहला गिरा उसका सक्सेसर जो होगा T1 के बाद T2 होगा वो भी गिरेगा। अब T2 गिरा तो ये क्या हुआ कि सेकेंड पॉइंट आ गया, भाई T3 भी गिरेगा। अगर T3 गिरा तो उसका सक्सेसर T4 है वो भी गिरेगा। अगर TN-1 गिरेगा तो उसका सक्सेसर कौन है, TN, वो भी गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दो केसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपके सारे टाइल्स क्या हो जाएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे, ठीक है, वो खड़े नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आपका, ये जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडरलाइंग प्रिंसिपल कहते हैं, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। ये मोटिवेशन यही है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट से, एप्लीकेशन से हमें समझ में आता है, अच्छा मैथमेटिकल इंडक्शन की ये जरूरत होती है, ठीक है। अभी देखो क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते समय हमारे दिमाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए कि एक चेन रिएक्शन हमें जो है ना प्रोड्यूस करना है, चेन रिएक्शन। टाइल के गिरने में हमने क्या किया, एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस किया, पहला गिरा तो दूसरा भी गिरेगा, दूसरा गिरा तो तीसरा भी गिरेगा, तीसरा गिरा तो फोर्थ भी गिरेगा, है ना। तो इसमें क्या है कि हमें क्या चाहिए, एक चेन रिएक्शन चाहिए, है ना। तो चेन रिएक्शन क्या बोलता है कि वंस अ पर्टिकुलर फॉर्मूला इज प्रूव्ड फॉर अ पर्टिकुलर इंटीजर, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीजर, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, नेक्स्ट जो इंटीजर है वो भी फॉलो करेगा उसको, उसके बाद क्या होगा कि भाई नेक्स्ट इंटीजर उसको फिर फॉलो करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा कि एक आपके पास एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और वो चेन रिएक्शन कब तक चलेगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट एन, तो हमारा वो क्या है कि एन तक चलेगा, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या डिस्कस कर लिया कि भाई इंडक्शन क्या होता है, मैथ्स कैसे इन्वॉल्व है इंडक्शन में, और अब हम लोग के लिए ये भी हम समझ गए कि भाई हमारा मोटिवेशन क्या है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। क्योंकि अब अभी तक क्या है, मैंने आपको सिग्निफिकेंस समझाया, मैंने आपको समझाया कि भाई एप्लीकेशन क्या है, लेकिन अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो हाउ कैन बी डिफाइन, सो सपोज पी ऑफ एन, ओके, इट इज व्हाट इज अ स्टेटमेंट,
Now, this statement involves नेचुरल नंबर, है ना? ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, नेचुरल नंबर, है ना? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, आपका प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से, है ना? फर्स्ट टाइल फॉल्स, मैंने आपको फर्स्ट टाइल का दिया था, है ना? सो नेचुरल नंबर एन सच दैट, नाउ देयर आर कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन सेज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन. दैट इज एन में डाल दो तो पी वन इज ट्रू. एन की वैल्यू क्या डाल दी हमने, वन डाल दी, तो पी वन इज ट्रू. ठीक है. एंड सेकेंड सेज दैट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, है ना? एन की वैल्यू क्या डाल दिया हमने, के, है ना? वेयर के इज व्हाट, के बिलोंग्स टू जेड प्लस, है ना? जेड प्लस क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, याद रखना है ना? सो जेड प्लस, देन के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, है ना? सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हमारा पी के ट्रू होता है तो पी के प्लस वन भी ट्रू होगा, है ना? सो देन अगर ये दोनों सेटिस्फाई होता है तो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन. ठीक है. सो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो कि पी ऑफ एन इज अ स्टेटमेंट, है ना? कोई एक स्टेटमेंट है. हम समझेंगे कि कैसे हम स्टेटमेंट को लिखते हैं, कैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल लेके. पहले समझो यहाँ पे क्या है कि पी ऑफ एन इज अ स्टेटमेंट एंड पी ऑफ एन इन्वॉल्व्स व्हाट, एक वेरिएबल है एन. एन क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब वन टू इंफिनिटी. ठीक है. सो इन सच अ वे दैट योर फर्स्ट कंडीशन सेज दैट एन इक्वल टू अगर वन हो जाता है तो पी वन इज ट्रू. अगर सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एन इज इक्वल टू अगर हम लोग के लिखते हैं तो पी के इज ट्रू. अगर पी के इज ट्रू देन एन इज इक्वल टू के प्लस वन, पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो पी एन जो स्टेटमेंट आपने लिया था, इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, वन से इंफिनिटी तक जो भी आप डालोगे सब कुछ ट्रू होगा, है ना? तो इसमें इंडक्शन का कहाँ पे रोल आ रहा है, इंडक्शन का रोल आ रहा है ये जो सेकंड स्टेटमेंट आप देख रहे हो ना, इसमें इंडक्शन का रोल आ रहा है. कैसे इंडक्शन का रोल आ रहा है, तो इंडक्शन में हमने क्या समझा है, ऑब्जर्वेशन उठाते हैं, ऑब्जर्वेशन से हम लोग एक क्या करते हैं, थियरी प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन उठाया कि एन इज इक्वल टू के बेसिस पे अगर हम लोग लेते हैं तो एन इज इक्वल टू के, अगर हम लोग लेते हैं तो एन इज इक्वल टू के प्लस वन, जो है थ्योरी प्रोड्यूस होगा कि के प्लस वन पे भी वो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा. ठीक है ना? नाउ बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है. उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे. देखो अब अगर हम लिखते हैं वन, तो वन को क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर, करेक्ट? वन वन स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा. अगर लिखता हूं मैं फोर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू स्क्वायर. तो टू स्क्वायर को, फोर को हम वन प्लस थ्री भी लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं लेट अस सपोज नाइन, तो नाइन को क्या लिख सकते हैं, थ्री स्क्वायर. थ्री स्क्वायर इक्वल टू नाइन होता है. और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस थ्री प्लस फाइव भी लिख सकता हूँ नाइन को, करेक्ट? वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ सिक्सटीन, सो सिक्सटीन क्या हो जाएगा, फोर स्क्वायर. और सिक्सटीन को मैं अगर एडिशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन अगर मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा, सिक्सटीन आ जाएगा. ठीक है. तो अगर ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना? तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर मैं सारे ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन अगर मैं इनको ऐड करूं, ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आता है, एन स्क्वायर. ठीक है. देखो मैं क्या कर रहा हूं, चार नंबर को मैंने ऐड किया, ठीक है, तो
1357, तो क्या मतलब हुआ, चार नंबर को ऐड करने से जो आपका आंसर आ रहा है, चार ऑड नंबर्स को, वो वही आ रहा है जो एन का स्क्वायर आप करोगे तो। यहाँ थ्री नंबर्स को ऐड किया तो आंसर जो आ रहा है वो थ्री का स्क्वायर करने से हो रहा है। तो एन की वैल्यू अगर थ्री है तो थ्री का स्क्वायर कर दो, उसका एडिशन करने से वही आएगा, है ना। ये जो टू एन माइनस वन आया है ना, ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने टू एन माइनस वन कैसे लिख दिया है। ये क्या है आपका एपी है ना, वेयर ए इज वॉट वन, डी इज वॉट, ये इसमें थ्री माइनस वन कर दो क्या आ रहा है, टू आ रहा है, फाइव माइनस थ्री क्या है, टू आ रहा है ना। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ए एन निकालना है, ठीक है, मतलब एनथ टर्म क्या है। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हो गया, टू हो गया। तो क्या आ जाएगा, वन प्लस टू एन माइनस टू, आंसर क्या आ जाएगा, टू एन माइनस वन, एनथ टर्म जो है टू एन माइनस वन है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ये आपका पीएन कहलाएगा, ठीक है। कि पीएन यू हैव डिफाइंड कि पीएन इज वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन सो ऑन अप टू टू एन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। सो व्हाट यू नीड टू प्रूव, यू नीड टू प्रूव दैट पीएन इज ट्रू फॉर ऑल एन, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, कैसे प्रूफ करोगे। तो सबसे पहले क्या करो भाई, आप पी वन लिखो, अगर मैं पी वन स्पेसिफाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, पी वन इज वन स्क्वायर, वन स्क्वायर क्या आता है, वन आता है, ठीक है, डेफिनेटली इट इज ट्रू, पी वन के लिए तो ये ट्रू हो ही गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लिखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, सो यू नीड टू राइट दैट सपोज पी के इज ट्रू, स्मॉल के है, हाँ, पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ए, ओके। सो वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। सो नाउ व्हेन वी से कि भाई सिंस, ये सिंस का साइन होता है, पी के इज ट्रू, इसे क्या इंप्लाइज होता है कि भाई वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस, है ना, और एन की वैल्यू क्या है, के है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू के माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, फाइन। अब मैं यहीं पे अगर मैं पी के की जगह पी के प्लस वन डाल देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा टू के माइनस वन तो रहेगा ही, प्लस टू के प्लस वन माइनस वन ये भी रहेगा, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, अगर राइट साइड को और ये करो तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, ए एक ए की वैल्यू को क्या ले लो, के ले लो, बी की वैल्यू को क्या ले लो, वन ले लो, तो ये के प्लस वन का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भाई के प्लस वन का स्क्वायर आया, हेंस प्रूव, हमें तो यही चाहिए था कि भाई पी के प्लस वन में डालते हैं तो के प्लस वन का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। देखो आगे हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, आप समझोगे। अभी मैं आपको क्या बताया हूं, यहां पे समझने की बात क्या है, एक ये कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है इसको पढ़ो, और ये जो दो स्टेटमेंट है इसको समझो जैसा मैंने समझाया है। दूसरा, जब हम प्रॉब्लम करते हैं आगे, हम जब प्रॉब्लम करने वाले हैं तो मैं आपको बताऊंगा, प्रॉब्लम करते समय आपको इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में, और आपको स्टेटमेंट्स इसी तरीके से आपको लिख के और प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे प्रूफ करना है। अभी बस इतना समझ लो कि जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसको लिखना ऐसे ही है एग्जामिनेशन में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम डिस्क्राइबिंग टू यू, ठीक है, कि भाई आपको लिखना ऐसे ही है, वो और समझ में आ जाएगा जब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो टिल आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास, मुझे ये होप है कि भाई आप समझे होंगे जो मैंने थियोरी आज समझाने की कोशिश की है। अब अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, अपने
प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे बनाने हैं, वो दैट वी आर गोइंग टू थिंक, है ना, कि भाई हम हमारी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे.